जब पॉलिटिकल आप देते हैं तो, क्योंकि हमारे, फिर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेस करती हूँ अपनी स्टेटमेंट को, देन आर पॉलिटिशियंस आर सो करप्ट, कि जैसे जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उन्होंने ब्राइब किया था लोगों को, लोगों को एक दूसरे के डिवाइड एंड रूल किया था. तो पॉलिटिशियंस जब किसी को, यस आप, मैं आपको मानती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द पोजीशन के वो अपॉइंट करता है, मगर वो फेवर देता है बजाय इसके कि किसी का एलिजिबिलिटी हो, ही पिक अप द समबडी हु ही वांट. जैसे आजकल मसला बना हुआ है कि जनरल फैज को होना चाहिए. आई हैव थ्री क्वेश्चन फॉर यू. पहला सवाल, आपको किसने कहा कि पॉलिटिशियंस करप्ट हैं? ठीक है जी. दूसरा सवाल कि ये क्या बाकी दुनिया में पॉलिटिशियंस करप्ट नहीं हैं या बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान ही में पॉलिटिशियंस ऐसे हैं? और तीसरा सवाल कि आप ये किस बेसिस पे कह रही हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर जनरल को सिलेक्ट करता है कि तू आर्मी चीफ बनेगा तो वो उसको पर्सनल फेवर कर रहा होता है? इन तीनों के आप एक एक करके मुझे जवाब दीजिए. सबसे पहला सवाल ये कि जो मैंने आपसे पूछा कि जी बाकी दुनिया में पॉलिटिशियंस क्या बहुत, इंडिया के पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे पूरी हैं क्योंकि वो आर्मी दुनिया के चीफ बने, करप्ट तो हैं पॉलिटिशियन. दे फिर इवन पाकिस्तान आप में क्या दूर करो? क्यों जाते हैं, आप कनाडा की तरफ आ जाएं. आजकल जो नेटिव्स हैं उनको उनके राइट्स नहीं दिए गए, जाते हैं अफसोस करके, तो कपड़े बदल बदल के तस्वीरें उतरवा के आ जाते हैं. नो बडी हैज़ टेकन केयर ऑफ द वे दोज पीपल शुड हैव बीन टेकन केयर. तो अगर इंडिया के पॉलिटिशियंस भी ऐसे ही हैं, अमेरिका के ठीक पॉलिटिशियंस भी ऐसे हैं, और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन तो एक पॉलिटिशियन होता है ना जी. ठीक सर, चलिए तो पहला सवाल का अच्छा, जवाब हो गया. दूसरा सवाल के जी किसने आपको कहा कि वो करप्ट है? देखिए ये तो आपका वो कहते हैं ना इमरान रियाज खान और इमरान खान के जी, हमें फाइलें दिखाई गई कि जी ये चोर है, हमें एविडेंस दी गई कि ये चोर है. अब मेरा सवाल ये, किसने आपको ये फाइलें दिखाई? किसने सर आर्मी ने ही आपको, केसेस किए थे ना. देखिए इतना मुल्क का पैसा जाया किया, इसहाक डार वन साहब को सेकेंड, एक अरसे तक आर्मी मुल्क से बाहर. आर्मी का कोई ताल्लुक है करप्शन के केसेस के साथ? कौन सी अथॉरिटी के तहत आर्मी ने क्या मतलब केसेस किए? अच्छा अब ये रिफॉर्म कौन लाएगा कि आर्मी खामखा इन चीजों में इन्वॉल्व ना लाए. हु विल ब्रिंग दिस रिफॉर्म. दिस रिफॉर्म विल हैव टू स्टार्ट विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, राइट? बिकॉज नोबडी विल डू इट. देखिए मसला यह है कि ऑल ऑल पावर रेस्ट विद द मिलिट्री. अगर लोग खड़े नहीं होंगे कि और आपने अगर मुल्क में रिफॉर्म करनी है ना जी, तो उस अदारे से रिफॉर्म शुरू होगी जो सबसे ताकतवर अदारा है. दैट इज आर्मी. सो रिफॉर्म जी, जब तक आप आर्मी की रिफॉर्म नहीं करेंगे तो पुलिस में रिफॉर्म नहीं हो सकती, सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म नहीं हो सकती, जुडिशरी में रिफॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो सब तो फौज कंट्रोल करती है. अगर आपने रिफॉर्म करनी है तो पाकिस्तान रिफॉर्म शुरू होगी सबसे बड़ी जगह से, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अदारा है उससे आप रिफॉर्म शुरू करेंगे. वो आपको कोई करने नहीं देगा, ठीक है जी, क्योंकि वो तो उनके पास तो सब ताकत है. अब लोगों ने ये इंश्योर करना है, पाकिस्तान का मालिक कौन है? इट्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान. व्हेन दे गेट अप लाइक टर्की और अदर कंट्रीज एंड टेल द मिलिट्री, हे यू हैव नो बिजनेस ऑफ बीइंग इन पॉलिटिक्स एंड हम लेजिस्लेट कराएंगे, हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ये है, वो जो भी है, वो इमरान खान है, वो नवाज शरीफ है, वो अल्ताफ भाई हैं, वो जो भी है, ये हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और ये तुम्हारा बॉस है और ये तय करेगा कि तुम में रिफॉर्म्स ये होंगी. और वो रिफॉर्म करना कोई मुश्किल काम नहीं है. देखिए तमाम दुनिया के आर्मी एक्ट भी मौजूद हैं, आपका अपना आर्मी एक्ट भी मौजूद है, आप उसे देख लीजिए. बाकी तमाम दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज का स्ट्रक्चर भी मौजूद है, आपका भी मौजूद है, सबका मुआवजना कीजिए और बाकी जो दुनिया में स्ट्रक्चर है वो अपने मुल्क में लगा दें, सारा सिस्टम खुद बखुद ठीक हो जाएगा. लेकिन ये हो नहीं सकता जब तक अवाम नहीं निकलेगी. अवाम किस तरह की है? अवाम तो ये कहते हैं कि जी आर्मी चीफ माई बाप है, और फिर कहते हैं कि जी मुल्क भी ठीक हो जाएगा. तो भैया मतलब ये तो नहीं होगा, फिर मजे करो.